সর্বসার নিম্ন সময়ে সারায় স্বয়ংভূত্যা যথাস্তে চিত স্বভাবায় ভাবায় সর্বভাবান তরচ্ছতে মঙ্গলম ভগবান দেব মঙ্গলম গৌতম গণ মঙ্গলম কুন্দকুন্দায় জৈন ধর্মস্তু মঙ্গল সর্বমঙ্গল মঙ্গল সর্বকল্যাণ কারকম প্রধান সর্বধর্মাণ জৈন দেহ শাসন ওঙ্কার বিন্দু সংযুক্ত নিত্যম জয়ন্তি যোগিন আমদম মকসদম চৈব ওঙ্কার রাজচন্দ্র বচনামত সতেরো নম্বর 254 इस पत्र के अंदर कहाँ से शुरू करना और कहाँ तक पहुँचना अनुभव के पहले उसकी पूरी कथा है। और ये उपावली के वचनामृतों में मेरी दृष्टि में सबसे श्रेष्ठ पत्र है। 24 साल की उम्र में अनुभव के 6-8 महीने के बाद की बात है, अंबाद के मुमुक्षुओं को पत्र लिखा हुआ है। ऊपर हेडिंग लिखा है, टाइटल, निसंगता से निर्भयता उत्पन्न होती है, जिससे निर्भयता है उसको निसंगता प्राप्त होती है, निसंगता से निर्भयता और निर्भयता से निसंगता। चित भगवान को किसी की जरूरत नहीं है, सबसे छूट गए, एक रजकण का भी उनको संबंध नहीं है, अकेले क्यों रह सकते हैं, वो भी परम सुख कैसे है, क्योंकि उनको पता चल गया है कि मैं अजर अमर परिपूर्ण तत्व हूँ, इसलिए उनका भय निकल गया है। चित भगवान में और संसार के दूसरे जीवों में क्या अंतर है? संसार के दूसरे जीव तो भय रही, भय सहित है, चित भगवान कैसे हैं? क्योंकि उनको आठों कर्म खत्म हो गए, अब जन्म मरण मिट गया है, अकेले रह सकते हैं, अनंत काल तक रहेंगे और अनंत अनंत सुख में रहेंगे। तो निर्भयता उत्पन्न हुई इसलिए अकेले जा सकते हैं, जब तक भय रहित नहीं होंगे तब तक आपको हर पद कदम कदम पे डर होता है। वो निर्भयता कैसे उत्पन्न हुई? कि निसंगता आई ज्ञान के अंदर, शंका नहीं आई कि मैं ये साधना करता हूँ लेकिन आत्मा अजर अमर है कि नहीं मुझे क्या मालूम, कहीं गलती से मैं प्रयोग करूँ और फिर न इधर करूँ तो जिसको आत्मज्ञान होता है उसको ऐसी शंका नहीं होती, जिसको आत्मज्ञान नहीं उसको शंका होती है कि सारी दुनिया का रुचि जो है वो छोड़ दूँ, अंदर में आत्मा नहीं मिलेगा तो, और मिलेगा तो भी कोई लूट लेगा तो, क्योंकि उसने देखा नहीं एक आत्मा का कैसा स्वरूप है। अनुभव के बाद निसंगता आ जाती है कि मैं अजर अमर तत्व हूँ, परमात्मा बाहर नहीं है, मैं स्वयं परमात्मा हूँ, और ऐसा अपने परमात्मा का अनुभव करने से, पहली बार देखने से ही उसको निसंगता आ जाती है कि अब मुझे कोई भय नहीं, अब हम अमर भय न मरेंगे। और अगर फिरत अनेक दिन बीते नाम अनेक धरा है, 84 लाख योनि में बहुत भटके,
इधर इधर गए वहाँ अपना घर माना, उधर गए वहाँ अपना घर माना, जहाँ भी गए अपना माने, लेकिन क्या तो वो छोड़ देवे अपने को या अपन छोड़ देवे उसको, शाश्वत नहीं रह सकते, कोई स्थान शरण नहीं है शाश्वत। तो जब तक वो अपने आत्मा में नहीं आएगा, अपना घर नहीं देखेगा, मैं स्वयं परमात्मा हूँ ऐसा अनुभव नहीं करेगा, तब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति बिना कुछ भी करेगा, लाखों जिन मंदिर बनावे, जाओ जीव उपवास आदि करे, नग्न दिगंबर मुनिराज हो जाए, पूरे शास्त्रों का पठन पाठन होकर के बड़ा पंडित विद्वान हो जाए, लेकिन आत्मा का अनुभव नहीं है तो कुछ नहीं, जीरो। और जिसको आत्मा का अनुभव है वो दुनिया का कुछ भी नहीं जानता हो, ये भी चिड़ी भी नहीं जानता हो, वो तो कैसा बोले समय सर में, गंधर के समान है, श्रुत के उन्नीस श्रुत के उन्नीस है, क्या ये आत्मा को जानता है। और गंधर किसको जानता है, अपने ज्ञान से पूरे दुनिया को जानते हैं, वो ज्ञान कहाँ से आया, आत्मा से आया, सम्यक दृष्टि ने वो सब मेहनत नहीं की पूरी दुनिया को जानने, उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट रास्ता अपनाया, कौन सा, आत्मा। जिस आत्मा में ऐसी शक्ति है कि उसके ज्ञान से सारी दुनिया जान सकते हैं, तो मैं सारी दुनिया को क्यों जानूं, आत्मा को ही नहीं जानूं। और जिसने पहले अपने आत्मा को जान लिया वो निशंक हो गया, अब मुझे कोई किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं। तकलीफ जो थी वो क्यों थी, अपने स्वरूप को नहीं जानता था, इसलिए जय स्वरूप समझा बिना, अपने स्वरूप को नहीं समझता था कि मैं परमात्मा हूँ, इसीलिए सब दुख है, चिंता है, भय है, अशांति है, तकलीफ है, राग है, द्वेष है, ये सारे कसा है, इसका एकमात्र कारण क्या है, हम अपना स्वरूप नहीं जानते, कोई राग द्वेष कराता नहीं, रोटी नहीं बोलती है मुझे खाओ, क्या शरीर नहीं बोलता है मुझे साबुन से नहलाओ, ये जीव मोह के कारण शरीर को अपना मानता है, अपने को भूल गया और एकोके को अपना माना, और फिर वो मोह के कारण उसकी संभाल रखता है और दुखी होता है। राग द्वेष का कारण ये है कि वो अपने स्वरूप को जानता, तो निसंगता से निर्भयता उत्पन्न होती है और निर्भयता से निसंगता होती है। अब ये निसंगता कैसे उत्पन्न हो गई, हम तो अज्ञानी जीव अभी आत्मा को जानते नहीं, तो हम ऐसा क्या करें कि जिससे हमको आत्मा के दर्शन हो जाए और हम निसंक हो जाए, हमको शंका न रहे कि हम ही परमात्मा हैं, और फिर भय रहित हो जाए, और फिर साधना करते करते हम सबसे अलग अलग अकेले अनंत काल तक परम शांति में रहे। इसकी चर्चा एक अंबाद के मुमुक्षुओं को कृपा उदय करते हैं। पहले आत्म भावना की बात करते हैं, प्रकृति के विस्तार से ये सृष्टि है पूरी दुनिया, कई प्रकार के जीव हैं, कई जाति के, कई धर्म के जीव हैं, इसमें तीरंद गति के भी कितने जीव हैं, 52 लाख क्यों नहीं तो तीरंद चौकी, पानी में रहने वाले, जमीन पर रहने वाले, आकाश में उड़ने वाले कितने, अपने घर में भी कीड़े मकोड़े मच्छर छोटे मोटे जंतु बैक्टीरिया ये सब क्या है, तीरंद गति से 5 इंद्रिय, एक इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय में 84 लाख योनि में 52 लाख योनि तो तीरंद चौकी, कुछ नरक की है, कुछ स्वर्ग की और बाकी के जो है वो मनुष्य, 4 गति। ऐसे प्रकृति का विस्तार है, पूरी कुदरत है, इस प्रकार के कुदरत में जड़ चेतन पदार्थ हैं, कुछ पदार्थ हैं वो जड़ है, कुछ पदार्थ हैं वो चेतन है। अब इनमें जीव की बात करते हैं, प्रकृति के विस्तार देखें तो जीव के कर्म अनंत प्रकार की विचित्रता से प्रवृत्ति करते हैं, आज राजा है कल रंग हो जाएगा, आज अच्छा है कल बीमार पड़ जाएगा, क्या क्या हो जाता है, अब गरीब है लॉटरी लग जाती है बड़ा पैसे वाला हो जाता है, एकदम इज्जतदार आदमी का पल में इज्जत चले जाती है, आसमान सुल्तानी हो जाती है, जीवन में ऐसे टकराव आते हैं, प्रकृति के विस्तार ज़्यादा है और इसमें भी जीव के कर्म अनंत प्रकार की विचित्रता से प्रवृत्ति करते हैं, जिससे राग करता है हो सकता है वो 20 साल की दोस्ती पल में जीरो हो जाए,
दुश्मनी हो जाए। दुश्मन से भी जो दोस्त दुश्मन बना है ना वो ज़्यादा खतरनाक, क्योंकि दोस्त अपनी सब बात जानता है और कैसे दुखी करना हो उसको अच्छा आता है। दुश्मन अच्छा है लेकिन मूर्ख दोस्त या जिससे वो दोस्त दुश्मन बन गया तो बहुत प्रॉब्लम होगा। लेकिन कब संयोग बदलते हैं, कब राग द्वेष में पलट जाता है, द्वेष राग में पलट जाता है, शत्रु मित्र बन जाता है, मित्र शत्रु बन जाता है, कब क्या होता है पता नहीं। काम सोचते हैं कि बुढ़ापे में सब परिवार के साथ रहेंगे, सब मिलजुल कर रहेंगे, और फिर क्या होता है कि कभी ऐसे भी दिन आते हैं कि अकेले रहना पड़ता है, पूरे इतने बड़े बंगले में हम अकेले कहाँ रहते हैं, तो वो अपने घर रहते हैं अपने मिसिस के साथ, शादी हो गई तो चले गए, शादी हो गई तो वहाँ चले गए, सब कोई हमारे साथ नहीं, माँ बाप के साथ। एक माँ और बाप चार बेटे को संभाल सकते हैं लेकिन चार बेटे अपने माँ बाप को नहीं संभाल सकते। इस दुनिया ऐसी है, स्वार्थ की दुनिया, पति पत्नी का रिश्ता लेना, भाई भाई का रिश्ता लेना, कौन रक्षा करे इस दुनिया के अंदर, असरण अनेक प्रकार की कर्म अनंत प्रकार की विचित्रता से प्रवृत्ति करते हैं। इसीलिए ऐसा लगता है कि जीव बहुत सारी गलती करता है, किस किस गलती को मिटावे हम। चेंजेस बहुत है तो ऐसा लगता है कि गलतियां बहुत होंगी, कर्म के कर्म इतने बांधे हैं, अनंत प्रकार के कर्म बांधे हैं, इसलिए अनंत प्रकार के चेंजेस होते हैं। अगर एक ही दोष होता तो एक ही गलती होती, तो कैसा लगता है कि जीव ने भूतकाल में बहुत गलतियां की हैं, अनंत गलतियां की हैं, अब न जाने कितना टाइम लगेगा अनंत गलती को मिटाने के लिए, न जाने कितना समय लगेगा, कब इसका उद्धार होगा। अनंत गलती और मिटाने में भी अनंत काल लग जाएगा, क्या होगा इस जीव का, कैसे आगे बढ़ेगा ये जीव। यह कृपा देव बहुत अच्छी मार्मिक बात करते हैं, ये बात सही है कि विचित्रता बहुत है दुनिया के अंदर, संसार के अंदर, लेकिन गलती एक ही है, गलती अनंत नहीं है। ये अनंत गलती तो इसलिए लगती है क्योंकि वो मूल गलती निकली नहीं है अभी तक, मूल गलती निकल जाएगी तो अनंत गलती भी निकल जाएगी। अपने आपके अंक में लिया है कि बीस भूत भूल का बात लिया है, 500 नंबर का अपना मतलब कि ऐसा देखे तो बहुत गलतियां हैं, जीव बहुत गलती किया है, अनंत काल में कितनी गलती किया हो, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ ढेर सारे कसा है, पल पल में आर्त ध्यान रौद्र ध्यान कितना किया होगा, और फिर इतने साल का कितना इकट्ठा हो गया हो, और उसको चुकाने में भी कितना टाइम लगेगा, कर्जा लिया है तो। लेकिन ऐसा नहीं है, इतने सारी गलतियों का एक मूल होता है और मूल का भी एक बीज होता है। बीज भूत भूल कौन सी, ऐसा आपके अंक में आया है 500 नंबर का जो है ना, इसमें से लिया। तो महावीर स्वामी ने बहुत सोचा बहुत सोचा बहुत सोचा और फिर उसका रहस्य निकाला कि जीव गलती करता है, जीव की अनंत गलती पर्याय में दिखती है लेकिन असल में एक ही गलती है। क्या गलती है कि तारो दोष एटलो पोताने भूली जाऊँ अने अन्य ने पोतानू, एक ही गलती है। वो एक गलती जब तक रहेगी ना तब तक अनंत गलतियाँ होंगी। अब वो गलती कैसे मिटे, ये मूल वाली गलती कैसे मिटे, तो एक बीज भूत गलती है। क्या गलती है कि जब उसको पता है कि मैं स्वयं नहीं जा सकता हूँ, जाग नहीं सकता हूँ, मैं अपनी गलतियों का निराकरण नहीं कर सकता हूँ, मैं मेरे को जो तकलीफ हो रही है उसका उपाय कैसे करना मुझे नहीं मालूम, तो कम से कम उसको क्या करना चाहिए, अलार्म घड़ियाल तो लगाना चाहिए ना साथ, कि मैं जाग नहीं सकूंगा, नींद आ जाएगी तो कम से कम अलार्म घड़ियाल का सहारा लेना चाहिए। बीमारी मिटानी है तो खुद नहीं मिटा सकता है तो कम से कम डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। लेकिन ये जीव अपने आप अपना ऑपरेशन करते रहता है, अच्छा स्वच्छंद करता है, खुद ही कर लूँगा, किसी के सहारे की जरूरत नहीं, न खुद जागता है न जगाने वाले के शरण में जाता है। अगर जगाने वाले की शरण में जावे ना तो उसको खुद का पता लग जाए, और खुद का पता लग जाए तो मूल गलती मिट जाए, और मूल गलती मिटते ही ये सारे अनंत प्रकार के कर्म हैं उसका साफ हो जाए, अनंत काल नहीं लगेंगे फिर। अनंत गलतियां भूतकाल में की उसको मिटाने में अनंत काल नहीं लगते, कोटि वर्ष न स्वप्न पण जागृत थता
अनंत काल से बहुत गलती की, लेकिन अगर आप अभी जागृत हो जाओगे या जो जागृत जगाने वाला है उसके शरण में चले जाओगे, दो में से एक, आप खुद नहीं जाग सकते हो तो जो जगाते हैं आपको हर पल उसके शरण में चले जाओ, फिर क्या होगा, आप आपकी वो गलती निकल जाएगी। कौन सी गलती है? अपना स्वरूप नहीं समझने की गलती। अपना स्वरूप समझ लोगे, अंदर से ही ज्ञान प्रकाश हो जाएगा, सारा अंधेरा कोटि वर्ष में स्वप्न पण जागृत थता समय एम विभाव अनादिन ज्ञान थता। यहाँ कृपादेव पहले ही से पैराग्राफ में कहते हैं कि दोष के अनंत प्रकार लगते हैं, लेकिन दोष अनंत नहीं है, अनंत दिखते हैं अनंत नहीं। अगर है तो भी सबसे बड़ा दोष कौन सा, उसकी बात करते हैं। सर्वथी मोटो दोष ये छे कि जेथी तीव्र मुमुक्षुता उत्पन्न न हो अथवा मुमुक्षुता उत्पन्न न हो। सबसे बड़ा गलती क्या है? जीव को अपने को सुखी करने की सच्ची भावना ही नहीं हुई। अगर अपने आत्मा को बचाने की, जन्म मरण से छुड़ाने की सच्ची दिल से भावना होवे, अंतर से, बुद्धि से नहीं आना चाहिए। अगर मैं आत्मा को नहीं देखूंगा तो नरक में चले जाऊंगा, फिर दुख पड़ेगा, ऐसा डर के मारे नहीं क्या? वो तो वापिस स्थिति अच्छी हो जाएगी तो वापिस खो जाएगा क्या? वो स्थिति खराब है इसलिए भगवान का नाम लेता है। स्थिति अच्छी हो जाएगी तो क्या करेगा? भगवान को भूल जाएगा। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में करे दुख का एक तो ये गलत तरीका है कि हम दुखी है तो आ गए भगवान का नाम लेने के। जैसा संयोग का सुख मिला तो मैं अभी बाद में आऊँगा, ऐसा करके भगवान को ही धोखा दे देगा। ये बहुत धोखेबाज है, इसका भरोसा नहीं। संसारी जीवन पर कोई भरोसा नहीं। मुझे आत्मा का करना है और दो आंसू बढ़ाता और फिर अंदर में पोल निकलती है, नहीं नहीं मुझे आत्मा का कहाँ प्रेम है, मुझे तो ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, अंदर में बहुत लफड़े रहते हैं। कृपादेव ने यहाँ बहुत सिस्टम से बताया कि ऊपर ऊपर से आत्मभावना हो लेकिन अंदर में चोर पड़े हैं पूरे, ये सबसे बड़ी गलती है। सबसे बड़ी गलती क्या है? जिससे तीव्र मुमुक्षुता उत्पन्न हो, आत्मा को एक सेकंड भी इतना प्रेम करे आत्मा से अपने, इसको थोड़ा भी दुखी न होने दे, थोड़ा भी राग द्वेष न हो। क्योंकि राग द्वेष होंगे तब कर्म बंधन होंगे, कर्म बंधन होंगे तो फिर क्या होगा? अभी दुखी होना पड़ेगा, अभी चार गतियाँ भटकना पड़ेगा। बिल्कुल राग द्वेष न होने देवे और बिल्कुल अलर्ट रहे और अपने आत्मा का बहुत संभाल रखें कि इसको कहीं राग द्वेष न हो जाए, इसको कहीं क्रोधमान माया लोभ का चेप न लग जाए, कहीं वो अशांत न हो जाए, कहीं वो टेंशन में न आ जाए, कहीं उसको दर्द न लगे। इतनी अपने आत्मा से भय नहीं, चार गति का अपने आत्मा का प्रेम चाहिए क्या? अपने आत्मा का प्रेम होगा तो साधना करेगा, साधना करेगा तो चार गति तो मिलेगी नहीं, बेकार का डरने की क्या जरूरत है? ये तो उसका डरना बेकार है। क्यों? एक बाजू डरता है, दूसरे बाजू प्रेम किससे करता है? आत्मा से करता है कि दूसरों से करता है? ये डरना बेकार है। अगर सच में डर लगा है तो किससे प्रेम करना? तो अपनी आत्मा से प्रेम करना, शरीर से, संयोगों से, कुटुंब परिवार से, समाज से प्रेम नहीं करना, अपने आत्मा से प्रेम करना। सबको भूल जाना एक बार, अगर एक बार सबको भूल करके सच्चा प्रेम करके अगर अपने आत्मा को देख लेगा तो 84 के जन्म मरण बिल्कुल खत्म हो जाएगा। फिर अनंत दोष को मिटाने में अनंत टाइम नहीं लगेगा, एक ही भाव में खत्म हो जाए। एक भाव क्या? एक भाव में इतने भाव तो चले गए इतने साल, अभी कितना रहा जिंदगी? बस उतनी पूरी जिंदगी की भी जरूरत नहीं है, 6 महीना सिंसियरिटी चाहिए। कितना? फिर किसी को तो 1 हफ्ते में भी हो जाए, किसी को 15 दिन में हो जाए, किसी को 6 महीने में हो जाए, अधिक से अधिक 6 महीने। 6 महीना तो पूरी दुनिया को भूल जाना, अंधा बहरा लूला लंगड़ा हो जाना, आँख है लेकिन देखना नहीं, कान है लेकिन सुनना नहीं, कुछ पढ़ना नहीं है, कुछ देखना नहीं, कुछ सुनना नहीं, कुछ चखना नहीं, जो आया कोठी में डाल दो,
क्या? एक बार तो ये शरीर का पानी पड़ोसी बन जाओ, ये अपनी बॉडी का भी क्या करना, नेबर बन जाना। अभी हम नेबर नहीं है, ये तो मेरा हमद है, असल में वो नेबर है। क्या कुछ पल का साथ है, बाद में छू वापिस अलग अलग हो जाए। ये बाड़े का मकान है लेकिन इसको अपना मानता है, तो क्या करना चाहिए? कुछ दिनों के लिए, जब तक अपना स्वरूप नहीं दिखे तब तक उसका क्या हो जाना, पड़ोसी हो जाना। कृपा जी ने कहा है कि इस देह के लिए तूने कितने भव किए, अनंत भव किए, फिर भी तेरा परिभ्रमण मिटा नहीं, तुझे शांति हुई नहीं। अभी चेंज करते हैं, इस टाइम अभी थोड़ा चेंज करते हैं। क्या अब तुम जो भी सांस लेता है ना, वो किसके लिए लेना? अपने आत्मा के लिए लेना। एक भव जो आत्मा ने माटे गाड़े, तो अनंत भवनु साटू बढ़िया। दूसरा एक शुक्र अच्छा दिया है कि देरी जितनी चिंता राखे छे इनंती अनंत गणी, विशेष चिंता कोनी राख, आत्मा ने राख। शा माटे आत्मा ने राखवानी? कारण के अनंत भवनी गड़बड़ करी छे, ये बधी एक ज भावमां कापी नाखवानी। अनंत काल से जो गलतियां की उसको एक ही 100 साल गलती किया तो एक साल में कैसे मिटाना? ऐसे अनंत काल तक गलत चला है, आत्मा को देखे भी नहीं। अब उसको एक भाव, वो भी 5-10 साल जो भी रह गया बच्चे हैं, जिंदगी 40-50 हो गए तो 10 साल ही समझना है, 60 का एवरेज समझ, उसका पता निकल जाए नहीं मालूम, 40 से गिर जाए। तो जो बाकी बच्चे जिंदगी में ऐसा प्रेम करना, इतना प्रेम करना अपने आत्मा से कि अनंत भाव की जितनी गलती है वो सब नापूद हो जाए। और इसके लिए अपने आत्मा को प्रेम करने के लिए कहाँ है अपना आत्मा? बाहर के अंदर, अपना आत्मा अंदर है। तो फिर ये आँख कहाँ क्या करेगी? अंदर देखेगी कि बाहर देखेगी? तो आँख का उपयोग बंद करो, कान का उपयोग बंद करो, पांचों इंद्रियों का उपयोग बंद करो, मन में सोचना बंद कर दो। सहजात्म स्वरूप परम गुरु भी नहीं, कुछ भी नहीं, मैं आत्मा हूँ ऐसा भी नहीं, सब बंद। मन का आधार लेना, इंद्रियों का आधार लेना बंद करके ज्ञान को अंतर में लगाना, अंतर्मुख करना ज्ञान, और अपने प्रभु को देख लेना। तो इसको बोलते हैं अपने आत्मा का प्यार। और वो भावना पहले कैसी आनी चाहिए? अंतर में दिल से भावना आनी चाहिए। तो गलती क्या हुई है? गलतियां बहुत है, लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या है? इस जीव को कभी भी अपने आत्मा के ऊपर सच्ची दया नहीं आई, सच्चा प्रेम नहीं आया, तीव्र मुमुक्षुता उत्पन्न ही नहीं हुई, और ये सबसे बड़ी गलती है। ये एक बहुत बड़ा एटम बम बनाओ, पूरी दुनिया पे डालो, सब खत्म कर दो, कितना पाप लगेगा? हिटलर जैसा बन जाओ, एक बड़ा एटम बम बनाओ, सब दुनिया को खत्म कर दो, कितना पाप लगता है? इससे कई गुना ज्यादा पाप इसमें है, इसमें अपने आत्मा को नहीं जानो। उसकी सजा क्या मिलेगी? साफ ही नरक में जाएगा। अभी तो नहीं जा सकता, अभी इतना पाप करे तो भी नहीं जाएगा, लिमिट है। इस दुनिया में अगर हम ऐसा पाप करें कि सभी जीवों को ख़त्म कर डालो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, क्या इतने एटम बम डाल करके पूरे दुनिया को ख़त्म करे, कि जितना पाप होगा उसकी सजा कितनी मिलती है मालूम है? तीसरी नरक में जाता है मैक्सिमम, चौथी नरक नहीं मिलती। और भगवान की बात को नहीं मानने वाला कहाँ जाता है? सातवीं नरक में जाता है, विरोध करने वाला। और अपने आत्मा को भूलने वाला क्या करता है? उसका तो बहुत खतरनाक है, हम लोग सबसे बड़ा दोष हो, अनंत काल तक छुटकारा नहीं आता। नरक गति की वैल्यू कितनी? मैक्सिमम टाइम लिमिट 33 सागरों को, क्या सागरों का हिसाब किताब नहीं करेंगे, चक्कर आएगा, इसलिए नहीं करते। लेकिन नरक गति की लिमिट है 33 सागरों, 7वीं नरक। और भगवान आत्मा को नहीं देखने की लिमिट क्या है? 70 करोड़ सागरों, कितना? 70 करोड़ × 70 करोड़ × सागरों। ये भगवान आत्मा को नहीं देखने, वो भी इतना लिमिट क्यों रखा है मालूम है? कि एक चांस मिलता है इसमें, कि अगर इसके बीच में अगर वो सुधर जावे तो चांस,
बाकी असल में सजा कितनी बड़ी है मालूम, अनंत काल। अपने आत्मा को नहीं जानने की सजा कितनी है, ये भूल भुलैया है। एक क्षितिज रेखा है, अपने आत्मा को नहीं जानते हैं तो 70 करोड़ सागरों पर उनका बंधन होता है, लेकिन जैसे आगे बढ़ेगा तो और नया बंधन कर लेगा, और आगे 70 करोड़ ऐसा करते करते कभी छुटकारा होने वाला नहीं। क्यों छुटकारा नहीं होने वाला है? कि 70 करोड़ बहुत ज़्यादा हो गया, 2000 से ज़्यादा हो गया कि नहीं हो गया? ये 2000 से ज़्यादा टाइम तक ये जीव निगोद में से बाहर नहीं रह सकता है, ये निगोद एक इंद्री में से बाहर निकलता है। तो मैक्सिमम लिमिट कितना कितना बार रहेगा मैक्सिमम, वो भी 2000 साल। इसका मतलब क्या हुआ? अपने आत्मा को नहीं जानने की सजा कितनी? अनंत काल तक निगोद में सड़ना। जो जीव बाहर निकला उसको मैक्सिमम टाइम लिमिट 2000 सागर के अंदर उसको मोक्ष में पहुंच जाना चाहिए। अगर नहीं पहुंचा जेल खाने में अंदर, ये बाहर निकलेगा नहीं, ये मनुष्य गति नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं कि बंगला मोटर गाड़ी था तो झोंपड़ी आ गई, ऐसा नहीं, झोंपड़ी नहीं मिलेगी, खोखा शरीर भी नहीं मिलेगा। एक एक शरीर में अनंत जीव रहे, अनंत कितना, एक शरीर में, एक घर में नहीं, एक घर में 10 जने रहे तो तकलीफ हो जाती है। वहाँ क्या है अलग, एक बॉडी एक और जीव कितने इसके अंदर, कैसे रहते होंगे कितना, और एक सांस अपन लेते हैं ना उसमें 18 बार जन्म होता है, 18 बार मरण होता है। और कब निकलोगे? मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या, कोई टाइम लिमिट नहीं है। कोई एकादा चित भगवान बनेगा कोई तो एकादा बार निकलेगा, जब तक नहीं। मोक्ष में जाना कितना हार्ड है, चित भगवान कितना बड़ा हार्ड है, कोई बने नसीब में तब वो अनंत जीवों में से अपना ही नंबर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, क्या मालूम, कुछ बोल नहीं सकते कब अपना नंबर निकलेगा। सबसे बड़ा दोष यह है कि जिससे तीव्र मुमुक्षुता उत्पन्न हो, अपने आत्मा से सच्चा प्रेम न हो, डर के मारे आत्म कल्याण करना चाहता है, तकलीफ है इसलिए आत्म कल्याण करना चाहता है, बाकी प्रेम नहीं है आत्मा से, और अपने आत्मा से प्रेम नहीं है तो इसका मतलब दुनिया वालों से प्रेम कहीं ना कहीं, या कुटुंब परिवार में होगा, या शरीर से होगा, या कोई परिग्रह मोटर गाड़ी बंगला इसमें होगा, कहीं ना कहीं प्रेम होगा। क्योंकि प्रेम दो जगह नहीं रह सकता है, प्रेम एक ही जगह रहता है, और वो करना भी नहीं पड़ता है, वो तो हो जाता है। क्यों प्रेम आया तो क्या बोलते हैं उसका, कोई क्यों आया, क्यों आ गया बस, ऐसे प्रेम कोई करने की चीज़ नहीं होती। तो ऐसी कोई साधना करना है ताकि हमको आत्मा से प्रेम उत्पन्न हो जाए क्या, क्योंकि जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक ये जीव बाहर ही देखते रहेगा, सुनते रहेगा, चखते रहेगा, यही करते रहेगा। और जिस समय अपने आत्मा से प्रेम आ जाएगा ना तो दुनिया को भूलना आसान है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। सदगुरु क्या काम करते हैं? सदगुरु आपको ऐसे एक मंत्र दे देते हैं कि जिससे उसकी आराधना करने से क्या होता है, संसार की रुचि 0 हो जाती है और आत्मा की रुचि 100% हो जाती है। एक काम सदगुरु करते हैं। तो गलती क्या है जिसको मिटाना है? क्रोध मान माया लोग को नहीं मिटाना है, और भी बहुत सारी गलतियाँ खाने में, पीने में, चलने में, दिखने में बहुत करते हैं, बहुत जीव हिंसा होती है। पंखा चलता है ना इसमें भी जीव हिंसा है, चूल्हा जलाते हैं ना उसमें भी अग्नि का जीव करते हैं, नहाने धोने में, पानी खाने पीने में कितना जीवों की हिंसा होती है, वो सब आप भूल जाओ। अभी पहले अपने आप को बचाओ, पहले आप बच जाओ। आप खुद मरने वाले हो, किसको कितना कितना मरा बचाओगे? पहले आप अमर हो जाओ, अजर अमर हो जाओ, पहले आप शांति में आ जाओ। नहीं बेचारे को करुणा आती है, करुणा नहीं करना, पहले अपने पर करुणा करो, पहले अपने आप को बचा लो। अपने आप को बचाए बिना दूसरों की सेवा चाकरी दया करने जाओगे तो फंस जाओ, क्योंकि समय अपने पास कम है, ये आयुष्य कितना है अपने पास, और इसमें सबसे पहले किसका काम करना चाहिए? अपना। अपुन सेफ साइड हो जाओ, अपुन सुखी हो जाओ, इसके बाद जिसको जिसको बुलाना है, जिससे जिससे प्रेम है उसको समझाने की कोशिश करना, माने तो ठीक, नहीं माने तो ठीक, लेकिन पहले अपना काम कर लें। बहुत भूख लगी और खाना तैयार हो
क्या, और सब लोग उनको बुलाते हैं, लेकिन बोलते नहीं हम बाद में जिमेंगे, बाद में जिमेंगे, फिर क्या करता है, विवेक के खातिर सबको पहले बुला लेता है, भाई चलो ना जिम लेंगे, नहीं हमको तो अभी दो घंटे के बाद, अभी अभी नाश्ता किया, लेट उठ जाते तो नहीं नाश्ता किया, अभी तो हमको नहीं चलता। जिसको बोलता है अब क्या करेगा वो बताइए, नहीं आप खाओगे तो मैं खाऊँ, ऐसा है वो तो जाके सीधा, कोई नहीं परसेगा ना तो क्या किचन में खुद चले जाएगा, और 10 दिन का भूखा होगा तो 2 हाथ से खाएगा, कैसे खाएगा, अक्रांतिया नहीं जम खाए, ये भी देखा है गुजराती में खाए ना, अक्रांतिया ऐसा 10 दिन का भूखा है, 32 पकवान है तो क्या करेगा, किसी की राह देखता नहीं, सब जिम लेंगे बाद में बचेगा तो थोड़ा बहुत खाऊंगा, ऐसा भूख लगता है उसका काम नहीं है, तो इसको भूख नहीं लगी, अगर भूख लगी है तो कोई खाए नहीं खाए, मुझे तो खा लेना, मेरा तो एक लिमिट है भैया, इससे ज़्यादा मैं सही कर सकता, इतना विवेक नहीं करना, तब विवेक विवेक सब चले जाता है। देखो बात ये लिया है, सबसे बड़ा गलती कौन सा, सबसे बड़ी गलती कौन सी, इस जीव को अपने आत्मा की फिक्र ही नहीं है, उससे सच्चा प्रेम नहीं है, शरीर की फिक्र है, बच्चों की फिक्र है, एक फाउंटेन पेन की भी फिक्र है, चप्पल की भी फिक्र है, लेकिन अपने आत्मा से प्रेम नहीं, उसकी फिक्र नहीं, उसकी संभाल नहीं, ये सबसे बड़ा दोष है। दुनिया में जितने भी पाप हो रहे हैं सबको इकट्ठा करो और इस पाप को इकट्ठा करो, सामने कौन सा पाप बढ़ जाएगा, अपने को भूल जाने का पाप सबसे बड़ा है। जीवनो दोष एटलो पोते पोताने भूली जाऊँ अने अन्य ने पोतानू, सबसे बड़ा दोष। अब उस दोष मिटाने के लिए लोग उपाय करते हैं, तो कैसा कैसा उपाय करते हैं वो बताते हैं। गणों करीने मनुष्य आत्मा, खास तीरेंद्र में तो ऐसा नहीं है, चर्च नहीं है तीरेंद्र में, मंदिर नहीं है, जिन मंदिर भी नहीं है हिंदुओं का मंदिर भी नहीं है, तीरेंद्र में कोई बड़ा बड़ा पैसे वाला हो और मंदिर बनाया है ऐसा सुना नहीं है, खाना का पासरा कोई नहीं, लेकिन मनुष्य गति में इतने बाड़े हो गए, थानकवासी, डेरावासी, दिगंबर, दिगंबर में भी 13 पंथी, तारणपंथी, 50 पंथी है क्या, और कोई झगड़ा करने में तो कोई बाकी रखते नहीं, इतना है। गणु करुने मनुष्य आत्मा, मनुष्य जाति में, मतलब जिसका खोखा मनुष्य का है इसमें जो आत्मा बसता है वो उसकी बात करती है, वो उपाय करता है, क्या उपाय करता है कि अपने को दुख से बचाने के लिए, 84 के चक्कर से बचाने के लिए, अशांति को दूर करने के लिए, कोई ना कोई एक धर्म के मत को स्वीकार कर लेता है कि भाई मुझे क्रिश्चियन धर्म पसंद है, मुझे हिंदू धर्म पसंद, मुझे वेदान धर्म पसंद है, क्या मुझे वो इस्कॉन का कृष्ण भगवान वाला पसंद है, कोई बोलता है रामचंद्र जी मुझे पसंद है, किसको बोलते हैं रामचंद्र जी नहीं मुझे हनुमान जी पसंद है, और अब तो आजकल तो बहुत प्रॉब्लम हो गया है, संतोष सीमा, साई बाबा, तिरुपति, ये सब आ गए, ले वैष्णो देवी माता, झगड़े पंचायत बहुत हो गए इसके अंदर, भोलेनाथ, हर हर महादेव, कौन सा की महादेव है इनको मानते हैं, और महावीर स्वामी में भी बहुत महावीर है, एक महावीर नहीं चलता है, घंटा करण महावीर, क्या विघ्नहरण महावीर, केसरिया जी, कितना कितने महावीर एक है लेकिन नाम कितने कितने, मुछाड़े महावीर, मुछाड़े महावीर, वो मुछ वाले महावीर, दिमाग खराब हो गया। तो गणु करीने मनुष्य आत्मा अपने दुखों को दूर करने के लिए क्या करता है, कोई ना कोई धर्म मत में होते हैं और वो उनको पसंद आता है, जब ऐसा करूँगा तो मेरे दुख दूर हो जाएंगे, ऐसा करके वो उस धर्म की जो एक क्रिया होती है उस क्रिया को करते हैं। एतिते धर्म मत प्रमाणे प्रवृत्ति करे, से कोई ध्यान करेगा विपश्यना में जाकर, कोई सांस को देखेगा, कोई चक्रों को देखेगा, कोई किधर जाएगा, कोई किधर जाएगा, कोई आकाश जाएगा, कोई बांधनी जाएगा, कोई हम्पी में चले जाएगा, अभी जाके आए हम्पी, सबके विचार अलग अलग,
कोई किधर जाता है, कोई किधर जाता है, सोनगढ़, कोई सोनगढ़ जाएगा और सोनगढ़ का विरोधी होगा वो कहाँ जाएगा, देवलाली जाएगा। देखो, और फिर दुश्मन का दुश्मन है वो हमारा दोस्त, जयपुर वाले देवलाली को साथ है, ये वो हमारा, क्योंकि वो सोनगढ़ के विरोधी है ना, इसलिए ऐसे हमारी नहीं बनती है, लेकिन क्योंकि वो सोनगढ़ के विरोधी है इसलिए वो हमारा दोस्त है, क्योंकि वो हमारा दुश्मन के दुश्मन ही करते हैं तो हमारा दोस्त होगा, ऐसे चलता है धर्म, जयपुर वाले उनको साथ देते हैं, ये क्या हो गया है। और फिर वो प्रवृत्ति पूजा भक्ति सब करते हैं, हर प्रकार से स्वाध्याय वांचन श्रवण मनन चिंतन सब करते हैं, लेकिन ये प्रवृत्ति करना, धर्म की प्रवृत्ति करना, उपवास आदि करना, माला फेरना, नित्य नियम करना, पूजा भक्ति करना, ये मुमुक्षुता नहीं है, कृपा उदय के वचन। कोई भी प्रवृत्ति करना, भक्ति पूजा आदि उपवास आदि, महावीर भगवान का नाम ले लो ना, कुदेव का नाम ना मत लो, वितराग महावीर का नाम लो, दिगंबर की मूर्ति को मानो, आंख वाली मूर्ति को मत मानो, अब तो मुमुक्ष हो गए ना, नहीं होगा, कपड़े वाले साधु को मत मानो भैया, लेकिन जो नग्न दिगंबर है उसके पैर पड़ो, अब तो हो गए ना मुमुक्ष, नहीं क्लियर कर दिए कृपा उदय ने। तो अगर अपनी ये बड़ी गलती को मिटाने के लिए अगर कोई जीव कोई ना कोई धर्म को अपना ले, क्योंकि धर्म के बिना शरण नहीं है वो तो मालूम है, धर्म अर्थ तो काम और मोक्ष, ये चार प्रकार के पुरुषार्थ हैं, इसमें सबसे पहला नंबर किसका लगा है, धर्म का है, क्योंकि मोक्ष तो फल में मिलेगा, धर्म करेगा तो फिर सब होगा, सबसे पहला चार पुरुषार्थ में धर्म, सारी दुनिया को मालूम है धर्म किए बिना शांति नहीं है, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे मुसलमान हो चाहे क्रिश्चन हो चाहे जैन हो, धर्म तो कोई ना कोई करते हैं, मुसलमान मस्जिद में जाते होंगे, क्रिश्चियन चर्च में जाते होंगे, लेकिन नास्तिक तो कोई रहना चाहता, ईश्वर में सबको विश्वास, अगर कोई नास्तिक भी है तो क्यों है, क्योंकि इतना धोखा खाया है हर जगह जा करके कि बोलता आपने किसी को नहीं मानता जाओ, ऐसे बन के वो नास्तिक बना है। अब वो कुछ ना कुछ प्रवृत्ति करते हैं, और जो प्रवृत्ति करते हैं वो समझते हैं कि हम आत्म कल्याण के लिए करते हैं और हम सच्चे हैं और एक ना एक दिन हम जरूर होंगे कामयाब, ये करते जाते हैं व्रत पूजा भक्ति, जो हमारे धर्म में ऐसा रिश्ता रिवाज है, आपके धर्म में ऐसा होगा, ये कान्ही स्वामी के धर्म में शास्त्र पढ़ने का लिखा होगा, हमारे धर्म में उपवास निपटाना, आठम पाठी लोटी नहीं खाना, वो सब रात को नहीं खाना, ये सब है, आपके वहाँ ऐसा हमारे यहाँ ऐसा, हमारे पास और भी एक्स्ट्रा है कि हमारे यहाँ मूपति बांधते हैं, एरावासी नहीं बांधते, इसमें भी जीव मर जाते हैं, ये पंचाता है, तो कोई ना कोई प्रवृत्ति करता है जीव और ऐसा समझता है कि मैं मुमुक्ष हो गया, देखो मुझे अपने आत्मा की कितनी फिक्र है, तभी तो मैं कर रहा हूँ, क्या फुकर में मंदिर आ रहा हूँ, दूसरों को दिखाने के लिए थोड़ा आ रहा हूँ, क्यों आया हूँ मंदिर में, अपना आत्म कल्याण करने के, जन्म मरण से छुटकारा मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, इसलिए आया हूँ, लेकिन मोक्ष किसको बोलते हैं उसको पूछो, उसको नहीं मालूम, मोक्ष के लिए क्या उपाय करना तो वो भी उसको नहीं मालूम, ऐसे उसको सात तत्वों का नाम मालूम है, लेकिन मोक्ष का कारण पुण्य है कि समर निजरा है वो उसको नहीं मालूम, वो क्या करता है, समर तो उत्पन्न हुआ ही नहीं है, समर तो किसको उत्पन्न होता है, जिसको आत्मदर्शन होता है उसको समर होता है, और उसको ही निजरा होती है, उसको आत्मदर्शन नहीं हुआ है और प्रयत्न काय के लिए कर रहा है, मोक्ष के लिए, और करता क्या है, पूजा भक्ति, पूजा भक्ति क्या है, पुण्य है कि पाप है, और पुण्य का फल क्या है, पुण्य किसके भेद है, आश्रव के संवर के भेद, आश्रव से क्या होता है, तो मुक्ति के लिए हम पूजा भक्ति करते हैं, मतलब मुक्ति के लिए हम बंधन करते हैं, अपने आप को बांधते हैं, क्या हो गया है हालत, चक्कर है, पुण्य करेगा या उपवास आदि करेगा भी जाएगा स्वर्ग, क्योंकि बहुत त्याग किया है, त्याग का फल क्या होता है, अच्छी गति मिलती है, फिर वहाँ भोग करेगा, क्यों, कि वहाँ संयम नहीं है, वहाँ उपवास नहीं कर सकते, फिर वहाँ पाप करना, कंपलसरी पाप करना, स्वर्ग में कंपलसरी पाप करना, या फिर दूसरा रास्ता है एक स्वर्ग में, कोई ज्ञानी के शरण में चले जाओ तो आत्मा का ध्यान कर सकते हो आराम से, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, टेलीफोन की घंटी नहीं बजती है,
इधर व्यापार धंधा करना नहीं पड़ता है, रात होती नहीं है, नींद लगती नहीं है, मतलब कंटिन्यू सब आत्मा का ध्यान कर सके, ऐसी सुविधा है सेंट्रली ऐसी है स्वर्ग में। और दुर्गंध नहीं है, बाथरूम धंधा कुछ भी नहीं रहते हैं, गटर बटर देख सेंट्रली ऐसी वहाँ पर। और जैसा आपको चाहिए वैसा वातावरण मिल तो धर्म कर सकते हो, लेकिन अगर धर्म नहीं किया तो वहाँ क्या करना है फिर, पुण्य तो कर नहीं सकते। आप दूसरे को देने जाओ, भाई मेरे पास दो चार हीरे हैं तुम ले लो, बोला क्या उनको भिखारी समझ के बैठे हो क्या, कोई लेता नहीं है। हाँ बोलो, वो तो है, ज्ञानी को पहचाना तो मुश्किल तो है, ज्ञानी को वही पहचान सकता है जिसको अपने को आत्म कल्याण करना। डॉक्टर को कौन पहचानेगा, खोजेगा भी कौन, बीमारी जिसको बीमारी हो। ऐसे स्वर्ग में जिसको ऐसा लगे कि ये सब बेकार है क्या, ये भोग विलास, आप इसमें जूते ही खाने खाए अगर उसमें फंस गए तो, जिसको ऐसा विचार आता है, मुश्किल से विचार आता है, दुखी लोगों को विचार नहीं आता तो वहाँ कैसे विचार आएगा, तो मुश्किल से। लेकिन फिर सब मानो किसी को आ गया विचार, तो वो वहाँ ज्ञानी को आसानी से ढूंढ लेता है। क्यों, तो कहीं भी भगवान के पास जा सकता है, वहाँ उनको पूछ लेता है कि मेरे स्वर्ग में कौन सा ज्ञानी है भैया, आप ही बोल दो क्या, पूछ लेता है तो उसको मालूम पड़ जाता है। नहीं तो भी मध्य लोक में आकर के मुनिराज के पास आ सकता है, उनसे वाणी सुन सकता है, देव तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसको फुर्सत होवे तब ना, इतने नाच गान चलते हैं कि उसको तो अंधा ही हो जाता है। या अपने घर में 10 TV लगा दो ना, वहाँ सैकड़ों TV है, और कैसेट लाने की जरूरत नहीं, बिना इलेक्ट्रिसिटी के जो चाहो देख लो, जिसका फिल्म देखना है देखो, 100 साल बाद आने वाली पिक्चर अभी से दिख जाती है वहाँ पर, क्योंकि जो देखना है देख सकते हैं, कभी अवधि ज्ञान है वहाँ पर। स्वर्ग की लीला बहुत अलग है, लेकिन यहाँ जो बहुत मुश्किल से दान दिया है, उपवास किया है, माला फेरा है, नित्य नियम बहुत किया है, कि वहाँ जाके क्या करेगा, डांस देखेगा और कुछ नहीं करेगा, और 5 इंद्रियों के भोग विलास में रहेगा, और फिर क्या करेगा, बहुत पाप करेगा, क्योंकि वहाँ पाप कर सकते हो और एक धर्म कर सकते हो, ज़्यादातर तो वही होता है। और फिर वो नहीं कर पाए तो किधर जाता है वापिस, पाप करके ऐसा होता है। अब ऐसा उपवास करना है तो करो, तो यहाँ नहीं है कि इसका नाम मुमुक्षुता नहीं है, धर्म की प्रवृत्ति करना, मंदिर बनाना, नमस्कार मंत्र का जाप करना, सजात्म स्वरूप परम गुरु का जाप करना, उपवास करना, मुमुक्षुओं को साधर्मियों को हेल्प करना, सत्संग करना, शास्त्र पढ़ना, नग्न दिगंबर मुनि होकर के पंचमावत का पालन करना, 28 मुटकुंड का, ये सब जो प्रवृत्ति करते हैं उसका नाम मुमुक्षुता नहीं है, एक उपावदय कहते हैं। अब प्रश्न हो गया, अब तो आंखें चार हो जाती है, फिर हम करें क्या, क्या आप तो नहीं करे सारी दुनिया बोलती है, लेकिन यहाँ तो आप क्या कहते हो, पुण्य भी नहीं करना, क्योंकि वो धर्म ऐसा करता है, नग्न दिगंबर हो गया, इसीलिए आपको आत्मा का प्रेम है, बोल नहीं सकते ऐसा है कि नहीं है। जरूरी नहीं है कि आत्मा का प्रेम हो वही नग्न दिगंबर मुनिराज बने और 28 मुर्गुण पाड़े, द्रव्यलिंगी भी ऐसा करता है, मुनिव्रत दार अनंत बेर ग्रेवे उपजाए पय निज आत्म ज्ञान बिन सुख ले सन। कि हम अभी झूठे को नहीं मानते, हम कान्ही स्वामी के धर्म को ही मानते हैं, प्योर दिगंबर शुद्ध 13 पंथी, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है, सब पर्याय क्रमबद्ध है, भगवान आत्मा ही शरण है, आत्मा के दर्शन के बिना कोई कार्य होने वाला नहीं है, आत्मा के दर्शन के बिना सारी क्रियाएं फोगट है, सारा ज्ञान बेकार है, सब मालूम है हमको, और हम इसको ही मानते हैं, लेकिन इसको नहीं मानते हैं। किसको मानते हैं, कान्ही स्वामी को मानते हैं, लेकिन कान्ही स्वामी ने जिसको मानने को बोला, किसको मानने को बोला, उसको नहीं मानते। अभी 10 साल से हम मानते हैं, 20 साल से मानते हैं, किसको, कान्ही स्वामी, लेकिन यहाँ अपने आत्मा को मानने के लिए रहेगी पूरा दिन, इतवार को फ्री बैठ जाएंगे, लेकिन कभी देखेंगे क्या हुआ आखिर, क्या उनमें से चूज में कोई फायदा तो नहीं, आखिर यहाँ तक आया तो भी क्या, किनारे पे आ गए, अब तो एक स्टेप उठाया तो बा
समय दर्शन हो जावे। किनारे पे आने के बाद वो क्या करता है, दुख जाता है। कैसे दुखता है कि हम आपकी बात मानते हैं, हर बात आपकी सच्ची है, लेकिन करेंगे तो हम अपनी मर्जी से करेंगे। तो उन्होंने बोला कर देखो पानी यहाँ घुटन तक है पानी, अभी आप सेफ हो, डूबोगे नहीं। लेकिन वो बोला नहीं, मैं तो ऐसा नहीं, मैं तो शीर्षासन करूँगा। क्या करूँगा, घुटन जितने पानी में क्या करता है वो आदमी उल्टा चलता है, शीर्षासन करके ध्यान लगाता है, लेकिन उल्टा ध्यान लगाता है। अब क्या होगा, ऐसे डूबने वाला नहीं था वो, लेकिन शीर्षासन किया तो क्या हुआ, सांस रुक गई, पानी पूरा भर गया। किनारे पे आकर के डूबना होता है, ये गलती करता है जी। तो ये धर्म की प्रवृत्ति करना, प्योर धर्म की प्रवृत्ति करना, स्वतंबर थानकवासी की नहीं, प्योर दिगंबर की, तो भी इसका नाम मुमुक्षुता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी आत्मा से सच्चा प्यार है और ये प्रवृत्ति करते हो इसलिए आप मोक्ष में जाओगे, सम्यक दर्शन हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है उसका। अब आंखें एकदम चौंक गई, अब मैं क्या करूं, अब जन्म मरण से छूटना तो है, क्या करना पड़ेगा। तो रास्ता बताते हैं कि सबसे पहले तो ये बताते हैं कि प्रेम किसको बोलना, आत्मा से प्रेम का मतलब क्या वो समझो पहले। मुमुक्षुता तेज है कि सर्व प्रकार की मोह शक्ति थी मुंजाई ने एक मोक्ष ने विशेष यत्न करो। किसको मुमुक्षुता कहते हैं, आत्मा का सच्चा प्रेम किसको कहते हैं, कि कहीं भी मोह होता है ना अपने आत्मा के अलावा, मोह शक्ति माने आसक्ति होती है, अपने को छोड़ करके किसी भी पदार्थ में मोह हो जाता है, ये मेरा हो जाता है, क्या ये क्लिप मेरी, ये फाउंटेन पेन मेरी, क्या ये शर्ट मेरा, या ये लड़का मेरा, बहू मेरी, इज्जत मेरी, नाम मेरा, ऐसा हो जाता है ना, ये मोह हो जाता है ना, आसक्ति होती है ना, तो उसको घबराहट हो जाती है। अरे क्योंकि ये तो आत्मा नहीं है, और जो आत्मा नहीं है उसमें हम वो अपना कर्म करते हैं, तो मोहाशक्ति में है, मोहाशक्ति में होकर के उसको, और वो करना नहीं चाहता है, मोहाशक्ति दूसरों को अपना मानना नहीं चाहता है, लेकिन क्या करें, अनंत काल की आदत पड़ी हुई है, अपना मान लेता है। लेकिन मानते ही उसको जागृति में मालूम पड़ जाता है कि अरे देखो वापिस गलती किया, वापिस गलती किया, पल पल में गलती करता हूँ, और फिर घबरा जाता है कि अब मैं कैसे गलती को मिटाऊँ। मेरे आत्मा के सिवा किसी से प्रेम नहीं करना है, किसी को अपना नहीं मानना है, लेकिन क्या करें, पल पल में गलतियाँ हो जाती हैं, और फिर गलतियाँ होती हैं तो मालूम पड़ जाता है, और मालूम पड़ता है तो घबरा जाता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारता। कोई लोग हिम्मत हार जाते हैं, अपनी तकदीर में यही लिखा है, भटकना ही लिखा है, जान दो। तो कोई दर्दी लोग होते हैं जो हिम्मत हार जाते हैं कि अब सदगुरु नहीं है, किधर ढूंढना, क्या करना, अपने को रास्ता सूझता नहीं है, बस ऐसे ही चले जाए जिंदगी, तो हिम्मत हार गए, हिम्मत नहीं हारता। सच्चा मुमुक्षु जिसको आत्मा से सच्चा प्रेम है वो हिम्मत नहीं हारता, उसको पता है कि वो गलती नहीं करनी है, फिर भी गलती कर रहा है, और उसको हर वक्त पता चलता है जागृति के कारण। वो घबराहट भी होती है, तकलीफ भी होती है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये जो राग द्वेष होते हैं, ये जो मोह होता है, इसका भविष्य में बहुत बुरा फल आने वाला है। नया नया कर्म बंधन होता है, किसको भोगना है, शरीर के लक्ष्य से जो पाप किए वो शरीर भोगने को आएगा कि आत्मा अकेला भोगेगा। अपने कुटुंब परिवार को मोह करके जो राग द्वेष किए, जब हम भविष्य में कहीं भी जाएंगे, कर्म का उदय आएगा, तब कौन आएगा हमको भोगने के लिए साथ में, पार्टनरशिप में, उसको ये पता है, इसीलिए उसको घबराहट भी होती है, गलती भी दिखती भी है, घबराहट भी होती है, फिर भी हिम्मत नहीं हारता। अभी रास्ता मिला नहीं है, लेकिन हिम्मत नहीं हारता, वो कोशिश करता है कि फिर भी मैं कोशिश करूँगा, और मोक्ष के लिए प्रयत्न करता है, खोजता है कि अगर मेरी बीमारी मिटाना मैं नहीं जानता हूँ तो ज़रूर कोई ना कोई डॉक्टर होगा, उसके पास जाऊँगा, उसको पूछूँगा, इधर नहीं होगा हैदराबाद में तो पेपर में दे दूँगा ऐड, मैं जो बताएगा पता उसको इनाम दूंगा करके, ऐसा करके भी हो, सदगुरु की खोज करेगा, ऐसा जैसा आश्रमों में जाएगा, उधर जाएगा, धर्म की किताबें पढ़ेगा, किधर तो भी, लेकिन कैसा भी करके वो सदगुरु से
मिल जाता है। तो मोक्ष के लिए ही प्रयत्न करना, और तीव्र मुमुक्षुता इसको बोलते हैं, तीव्र एक प्रेम और एक तीव्र प्रेम, अनन्य प्रेम। प्रेम को क्या मतलब है, प्रेम का मतलब क्या है कि उसको और जगह रुचि हट जाती है, और एक आत्मा पे प्रेम आया तो आत्मा को बचाने की कोशिश चालू, खुद नहीं जानता तो कोशिश करते रहता है, हिम्मत नहीं हारता। लेकिन तीव्र प्रेम किसको बोलते हैं कि आत्मा मिलने के बाद, दर्शन होने के बाद फिर ऐसा पागल हो जाता है अपने आत्मा के पीछे, सारी दुनिया को भूल जाता है, इसको बोलते हैं क्या तीव्र अनन्य प्रेम। तीव्र मुमुक्षुता ये है तो अनन्य प्रेम थी मोक्षना मार्ग में क्षण क्षण प्रवर्त। आत्मा मिलने के बाद हो सकता है कि आत्मा के अलावा किसी को प्रेम करे, किससे करेगा प्रेम, सदगुरु से करेगा, उसमें तो अभी भी एक ऑप्शन है, लेकिन आत्मा मिलने के बाद कोई ऑप्शन नहीं, फिर तो एक से ही प्रेम होता है। तो तीव्र मुमुक्षुता यह है कि अनन्य प्रेम मोक्षना मार्ग में क्षण क्षण प्रवर्त, हर कदम हर पल आत्मा के शरण में ही रहना और आत्मा से ही प्रेम करना, गुरु से भी नहीं, गुरु की भक्ति है, गुरु का उपकार है क्या, लेकिन प्रेम किससे है, गुरु नहीं बोला किससे प्रेम करना, बोला किसने था, अब गुरु की आज्ञा नहीं माना तो फिर गुरु का प्रेम नहीं है सच्चा। तो गुरु का सच्चा प्रेम करते हो तो क्या करना, गुरु जिसको बताते हैं उससे प्रेम करना। तो गुरु किसको बताए, अपने आत्मा को, तो मजबूर है, गुरु भी बहुत पसंद है लेकिन क्या करें, गुरु का ऑर्डर है कि तू मेरे को प्रेम नहीं करना, तुम किसको प्रेम करना। तो तीव्र मुमुक्षुता किसको बोलते हैं कि सद्गुरु से ही प्रेम नहीं करता है, प्रेम तो सिर्फ अपने आत्मा से करता है, दुनिया में किसी से प्रेम नहीं करता है। जिनेन्द्र भगवान महावीर स्वामी से भी प्रेम नहीं करता है, उतना वो अपने आत्मा से प्रेम करता है, इसका नाम तीव्र मुमुक्षुता। लेकिन इसके पहले जब आत्मा के दर्शन नहीं होते हैं तब, लेकिन आत्मा के दर्शन प्रेम है, आत्मा को बचाना है जन्म मरण से, प्रेम तो आत्मा से, संसार में किसी पदार्थ से प्रेम नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे, क्या मुझे एक आत्मा का दर्शन करा दो क्या। तो ये क्या हो गया, ये मुमुक्षुता है। तो अभी यहाँ कृपावदेव कहते हैं कि इस पत्र के अंदर मैं वो बात नहीं करना चाहूँगा कि आत्मदर्शन के बाद कैसे प्रेम होता है और कैसा कैसा करता है, वो मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। तीव्र मुमुक्षुता विषय अत्रे जणावू नथी, पण मुमुक्षुता विषय जणावू छे। मैं तो वो बात करना चाहता हूँ कि आत्मा से प्रेम कैसे करना और उसके लक्षण कैसे होते हैं, आत्मा का जो सच्चा प्रेम करता है वो क्या क्या करता है, कैसे कैसे करता है, और इसको कैसे उत्पन्न करना। आत्मा का प्रेम अभी नहीं है, अभी संयोगों से प्रेम है, तो संयोगों से प्रेम छूट जाए और आत्मा का प्रेम उत्पन्न हो गए, और आत्मा का प्रेम उत्पन्न होने में फिर कौन सी बाधाएँ आती हैं, उसको कैसे दूर करना और कैसे करके मुमुक्षु बन जाना, इसकी इस पत्र में बात करने वाला हूँ। अभी अपना समय पूरा हुआ है, सच्चा मुमुक्षु कैसे बनना उसकी चाबी यहाँ बताइए, वो कल अपन बात करें।